कि पति का व्यवहार ठीक नहीं, व्यवहार गलत, व्यवहार से परेशानी है, पति से परेशानी नहीं है, और पति को पत्नी से भी परेशानी नहीं है। यदि परेशानी है तो पत्नी के गलत व्यवहार से परेशानी है, इसलिए अपने व्यवहार को संशुद्ध करो, बराबर दोनों ठीक हो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बुरी आदत सुधर गई, भजन का फल आनंद सुख प्रसन्नता आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और क्या है, मन की तरंग मार लो, बस मन में जो तरंग है उसकी गलत अच्छी तरंग उठे तो कोई बुरा नहीं। भगवत भक्ति के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, भंडारा में कुछ लेने देने के लिए, सत्संग में जाकर सद्गुरु की वाणी वचनों को सुनने के लिए कदाचित पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं तो ये तुमको परेशानी में नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। इसलिए अच्छी तरंग में अच्छा संकल्प कदाचित उठता है तो कोई परेशानी हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस। तो ये बताओ तुम्हारी बुरी आदतें सुधरी कि नहीं, तुम्हारी सुधरी कि नहीं, और मेरी सुधरी कि नहीं। अपने मन के साक्षी आप हो, तुम्हारे मन में कदाचित बुरी आदत है तो समझो तुमको परेशानी होगी, मेरी आदत खराब है मुझे परेशानी होगी। सत्संग सुनने के बाद, कंठी बंधाने के बाद, मंत्र लेने के बाद, नाम का स्मरण करने के बाद बुरी आदतें सुधरी कि नहीं, और नहीं सुधरी तो जैसे पहले थे वैसे अब भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ा। गुरु के मंत्र से कदाचित तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो मंत्र किसी काम का नहीं। मंत्र की महिमा बहुत है पर तुमने जो मंत्र की महिमा को समझे ही नहीं, इसलिए परेशानी जैसे की तैसी बनी रही। इसलिए मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। बुरी आदत नहीं सुधरेगी तो भजन का फल नहीं मिलेगा। यदि कदाचित गलती हो, कदाचित भूल हो, कमजोरी हो तो उस आदत को सुधार करके सही रास्ते पर लग जाना हमारा आप प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। और ये स्टेज इसीलिए है आदत को सुधारने के लिए, बुरी आदत का संशोधन करने के लिए। यदि आदत बुरी नहीं सुधरी और इसे गलत आदत को लेकर के तुम्हारा शरीर कदाचित छूट गया तो बोलो कहाँ जाओगे, अहमदाबाद में आओगे।
सदगुरु कबीर साहेब की, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, पंचरी मुकुंद मणि नाम साहेब की, पंचरी मुकुंद मणि नाम साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। जो भक्तगण माता है आप लोग अपने जगह सोए हैं तो आप लोग सब खड़े हो जाइए बड़ा प्रेम पूर्वक, बोलो साहेब की, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। हाँ आप लोग अपने अपने जगह सब बैठ जाएंगे। हाँ साहेब Thank you.